गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सुबह हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से हवाएं चलने लगी हैं। हवाएं चलने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ठंडी आज भी लगेगी। ये देख लो कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, इतनी तेज। अगर ऐसी हवाएं मई जून में चलने लगे ना तो मजा आ जाए, पर होता हमेशा उल्टा ही है, जैसा अभी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं दिन का शुरुआत करने। अपने दिन का शुरुआत एनर्जी ड्रिंक के साथ करता हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए तो कुछ करूं। धूप काफी अच्छी थी तो छत पे आके बैठा हुआ था और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करने का तो है नहीं खास, कल एक मूवी रिलीज हुई है, तेरी बातों में उलझा जिया। मेरी भी लाइफ उलझी हुई है तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी जाके थोड़ा देखूं मूवी को। फिलहाल तो अभी ये गमले को नीचे करवाना है, ये सारे नीचे हो जाए तो फिर इसके बाद मैं मूवी देखने भी जा सकता हूँ फिर। तो चलो चलते हैं। शाम हो गई है, घर पे आ चुका हूँ और शाम है तो मैं जा रहा हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक बनाने क्योंकि थक सा गया हूँ। तो ये मेरा एनर्जी ड्रिंक भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा हेडक हो रहा है मुझे, बाहर से आया हूँ तो चाय बना के पी रहा हूँ, मतलब मेरा एनर्जी ड्रिंक। और आज के बारे में एक बहुत खास बात बताने वाला, और खास बात यही है कि मूवी के बारे में बताने जाने वाला हूँ जो कल रिलीज हुई है, शाहिद कपूर और प्रीति की। तो बताता हूँ चाय पी के। देखो यार, तेरी बातों में उलझा जिया जैसा मूवी का नाम है, मूवी भी वैसा ही, और कहीं ना कहीं एक चीज़ का क्लियरिफाई भी करता है कि लड़की चाहे रोबोट हो या रियल लाइफ में होती सेम ही कलेश। शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि नहीं बहुत परफेक्ट है रोबोट, अगर इन फ्यूचर आ जाते हैं तो पार्टनर का जरूरत नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा समझदार, ख्याल रखने वाले, हर छोटी से छोटी बात का आप कब अपसेट होते हो, कैसे अपसेट होते हो, आपका छोटा सा छोटा बात, हर चीज़ का ख्याल रखने वाला, ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा। तो वो लगता तो बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमेक्स आता है तो एक बात का साफ साफ पता चलता है कि लड़की अगर इंसान हो या फिर रोबोट हो वो कलेश ही होगी, और वो कलेश तुम्हारी लाइफ में लाएगी, तुम्हारी लाइफ को झंड करेगी ही करेगी। तो मेरा एक सुझाव है, सिंगल रहो, शादी, लड़की, बेस्टी, जितना दूर हो सके उतना दूरी मेंटेन करके रखो। लड़की का दूसरा नाम ही कलेश है, हम बचना है तो बच जाओ। अब चलते हैं डिनर की ओर, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए बनाने, या देखते हैं उस डिनर में क्या वो काम है। लेकिन अगर किसी को मेरा बात बुरा लगा तो सॉरी, पर अब बात सही है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। आज डिनर में बनाने जा रहा हूँ डोसा। आप लोग भी सोचते हो कि आखिर मुझे साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ पसंद है। तो डोसा बन के तैयार है हमारा और काफ़ी टेस्टी भी बना है, तो खा भी के एंजॉय करके हम लोग जाएंगे सोने। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में।